अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चौथी माहौलिया हिस्सा दुआ सबक नंबर 8 अपने दुश्मनों का सफाया, इसके मुतल्लिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस सबक का जो अहम नुकात जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वह है मुखालिफिन का दौर तोड़ा गया। तो प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज के अतराफ 12 माउल इलाके के मावले जमा हो गए। मावले सादा मराठे लोग थे। ये शिवाजी महाराज जैसे कहते उनके कहने पर अमल करते, शिवाजी महाराज पर अपनी जान निछावर करते, शिवाजी महाराज बेअकीदत मोहब्बत करते। इन्होंने कसम खाई थी कि हम जिएंगे स्वराज के लिए और मरेंगे स्वराज के लिए। प्यारे बच्चों, जिस तरह ये मराठे मावले शिवाजी से मोहब्बत करते थे, उसी तरह बहुत सारे लोग शिवाजी महाराज से नफरत करते थे, असर करते थे, उनके मुखालिफ थे। तो इन मुखालिफों का जोर तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। इनमें सबसे पहले सरदार खंडोजीराव बाजी घोरपड़े, ये आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने इन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ बहुत उकसाया। इन्होंने गोंडाना के इलाकों में बड़ी तबाही मचा दी, मगर शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इनको वहाँ से भगा दिया। फिर इसी तरह शिवाजी महाराज के जो निस्बती भाई थे, फलटन के बाजाजी नायक निम्बालकर जो कि उनके निस्बती भाई भी थे, इनके साथ भी शिवाजी महाराज को लड़ाई लड़नी पड़ी। मगर बाद में इस खानदान के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। फिर इसी तरह शिवाजी महाराज के खिलाफ एक और उठे जो थे संभाजीराव मोहिते, जो इनके करीबी रिश्तेदार थे। शिवाजी महाराज ने इनके सोबा में जाकर इन्हें गिरफ्तार किया और इन्हें सोबा कर्नाटक रवाना किया। शिवाजी महाराज का एक अलमिया था कि वो अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा फर्ज को अहमियत देते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में इस अहम नुकात पर आपसे गुफ्तगू की। अगले सबक, अगले अहम वीडियो में हम इसके बाद के जो अहम नुकात है